हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं एक एलईडी टॉर्च, जिसके लिए चाहिए हमें ये कंपोनेंट्स: एक पीवीसी पाइप, एक ख़राब एलईडी बल्ब, एक 3.7 वोल्ट बैटरी, एक जैक, एक स्विच, एक 3.7 वोल्ट का बल्ब का सर्किट, एक डायोड एंड एक 3.7 वोल्ट एलईडी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस पाइप में स्विच का और जैक का होल करना होगा, तो चलिए करते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने इसमें स्विच का और जैक का होल कर लिया है। अब आगे आगे आपको एक एलईडी चाहिए, जिसके पीछे से आपको ये कैप हटा लेना होगा और इसे पाइप के पीछे अटैच कर दीजिए। अब आपको इस एलईडी सर्किट को इस हीट सिंक के ऊपर चिपका लेना है। और देखिए, मैंने इसे एलईडी में फिट कर दिया है। अब इसकी वायरिंग करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने सबसे पहले स्विच पर डायोड लगा लिया है। इसकी नेगेटिव पॉइंट को स्विच की लेग पर और पॉजिटिव पॉइंट को खाली छोड़ दिया है। सबसे पहले आपको एलईडी की पॉजिटिव पिन को स्विच के इस लेग पर कनेक्ट करना है। अब आपको जो इसकी नेगेटिव पिन है एलईडी की, इसे डायरेक्ट जैक के नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है। अब जो एलईडी इंडिकेटर का पॉजिटिव पॉइंट है, उसे हमें डायोड की पॉजिटिव पिन के साथ कनेक्ट करना है। इसके बाद हमें जैक की पॉजिटिव पिन को डायोड की पॉजिटिव पिन के साथ कनेक्ट करना है। सेल में दो वायर कनेक्ट करने हैं और इसे पाइप में अंदर अटैच करना है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने सेल को अंदर लगा दिया है। हरे वाला इसका पॉजिटिव पॉइंट है और नीले वाला इसका नेगेटिव पॉइंट। अब आपको सेल के पॉजिटिव पॉइंट को डायोड की नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करना होगा, और जो सेल का नेगेटिव पॉइंट है उसे डायरेक्ट नेगेटिव पॉइंट के साथ जोड़ दीजिए। अब जो ये नेगेटिव पॉइंट है, इसे टेप से चिपका लीजिए और ये टॉर्च रेडी हो चुकी है। देखिए, तो चलिए इसे सेट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसे सेट कर लिया है। अब आपको इसे चेक करके दिखाते हैं। देखिए, इसका चार्जिंग टेस्ट भी आपको दिखाते हैं। देखिए, ये चार्ज कर रही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।